जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से रोलैंड एक्सपी 60 के बारे में एक और फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। और उस फंक्शन का नाम है RPGO। RPGO क्या है? RPGO हम बोलते हैं कोड को प्रॉपर टाइम प्ले। जैसे सागा पासा हमारा है, सागा पासा, लेकिन इसी को क्वांटाइज करते हैं, जैसे टाइम और इसका फास्ट करते हैं। जैसे अभी ये मेरा प्लेयर है, अभी नॉर्मल सागा पासा प्ले हो रहा है, लेकिन जब इसे फास्ट करेंगे तो कई बार हो जाता है कि मिस टाइम हम कर जाएं, टाइमिंग मिस हो जाती है हमारी। उस समय पे हमें अपना RPGO का रिकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ता है। RPGO रिकॉर्डिंग फंक्शन मोस्टली ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग काम में यूज करते हैं। लाइव में तो हम सभी नॉर्मल कोड देख के चलते हैं, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, आप लाइव में भी इससे भी अच्छे और अच्छे से कोडिंग प्ले कर सकते हैं, मुझे पता है। बट कई बार टाइमिंग मिस हो जाती है, तो उस समय RPGO फंक्शन यूज होता है। लाइव में इस तरह के फंक्शन यूज नहीं करते, रिकॉर्डिंग में यूज होता है ये फंक्शन। तो ये फंक्शन RPGO कैसे यूज होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। और प्लीज रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके आप देखेंगे तो वीडियो में हो सकता है कि कुछ जरूरी बातें आप मिस कर जाएं, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे, मुझे कॉल करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखें, पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं RPGO रोलैंड एक्सपी 60। पहले दबाएंगे RPGO का बटन। RPGO का बटन दबाते ही इस तरीके की पिक्चर आ जाती है। RPGO स्टाइल 1/4, इस तरीके का डिटेल क्लोज कर, इस तरीके की छोटी सी विंडो डिस्प्ले में खुल जाती। 1/4 का मतलब है ओनली सागा पासा। अब RPGO जब हमने इसको ओपन कर लिया तो हमें सागा पासा प्ले नहीं करना है, हमें सागा पासा प्रेस करना है कीबोर्ड पे, ऑटोमेटिकली वहां प्ले होगा। ठीक है, सागा पासा सा पागा सा, ये प्ले हो रहा है। मैं ये प्ले नहीं कर रहा हूं, प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, ये हमें RPGO के फंक्शन के माध्यम से सुना जा रहा है। और भी इसमें वैरायटी है काफी अच्छे, और भी चीज तरीके 32 तरह के RPGO स्टाइल इसके अंदर है। और सुनाते हैं सेम चीज, जितना मर्जी आप उसे फास्ट कर लीजिए। तो अब ये देखिए, इतने स्पीड इसकी बढ़ चुकी है कि कई बार हम इस टाइमिंग को मिस कर सकते हैं। तो ये फंक्शन इस समय बहुत जरूरी है यूज करना। तो इससे इस हम कोडिंग जो इस समय चल रही है, इस कोडिंग को हम RPGO फंक्शन के माध्यम से अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और इसको इन RPGO जो हम प्ले कर रहे हैं अभी कीबोर्ड में, मतलब हमने कोड प्रेस करके रखा हुआ है, प्ले कीबोर्ड्स के माध्यम से ही प्ले होकर आ रहा है फंक्शन के माध्यम से, उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपने पेन ड्राइव में सेव भी कर सकते हैं और ऑन स्टेज उसको यूज कर सकते हैं। तो और भी मैं इसमें चेक कराता हूँ आपको। ये सिंगल नोट, बहुत तरीके के इसके अंदर RPGO के स्टाइल है, जैसे आपको यूज हो वैसा आप यूज कर सकते हैं। मैन था मेरा RPGO फंक्शन कैसे उसको यूज करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। RPGO फंक्शन यूज करने के लिए आप कोई भी स्टाइल अपना, जो आपको स्टाइल पसंद है, वो स्टाइल वीडियो में डिस्प्ले में यहाँ पर सिलेक्ट करिए, यहाँ से डिस्क्रीज इंक्रीज के बटन से। और कोड को आपने प्ले नहीं करना है, कोड को सिर्फ दबा के रखना है। तो ये RPGO प्ले होने लगेगा। इसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मुझे ही रिकॉर्ड करना है 1/16। तो पहले मैं दबाऊंगा रिकॉर्डिंग का बटन। और हाँ, रोलर एक्सपी 6 में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इस बारे में मैंने वीडियो पहले बना रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखें मेरे चैनल पे जाके, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। रोलैंड एक्सपी 60 के बारे में और भी मेरी काफी वीडियो है, वो आप जरूर देखें सभी। तो चलिए
पहले दबाएंगे रिकॉर्डिंग का बटन, क्लिक आपको सुनाई दे रही होगी, 1 इसको करेंगे 0, एंटर। टेम्पो, ये टेम्पो अपने हिसाब से आप टेम्पो रख सकते हैं, क्या टेम्पो आपने रखना है, ठीक है। डायरेक्ट स्टॉप और प्ले वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। ये मैंने आरपीजी अभी इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, चलिए अब इसको प्ले करके देते हैं। प्ले करने के लिए वापस कर्जर से ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 0, एंटर एंड प्ले। ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है कीबोर्ड में, और मैंने अभी इसे सेव भी, हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए अगर आप इसे कोई नाम देना चाहते हैं मेमोरी के लिए, तो आप इसे सॉन्ग नेम कोई भी नाम आप दे दीजिए, पार्ट नेम, जिस पैच में आपने इसको बजाया वो, ठीक है। देने के बाद एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद डिस्क लोड F1, यहाँ पे अपना कोई भी इसको नाम दे दीजिए और एग्जीक्यूट करेंगे, ये सेव हो जाएगा जो हमने RPG अभी बजाया है, ठीक है। इस एक वीडियो के माध्यम से आपको दो फंक्शन पता चल चुके हैं, एक रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, दूसरा RPG फंक्शन यूज कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इन्फॉर्मेशन को बांटना सीखें। जो आपके पास है वो आप हमसे शेयर करें, जो हमारे पास है वो हम आपसे शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी बढ़े। जय माता दी, जय श्री श्याम।